हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा आसू सीएस को बैंक का स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ, जबकि इसके फाउंडर उदय कोटक हैं। इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट में कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन प्रकाश आप्टे हैं। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हुई है तो हम दिल्ली के बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली की बात करें तो इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। इसके अलावा दिल्ली में 70 लोक विधानसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ हाल ही में दुबई शहर सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अब दुबई में जो भी सरकारी कामकाज होगा वो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा हाल ही में भारत ने DRDO के द्वारा विकसित लंबी दूरी की स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अब यहाँ पर DRDO की बात हुई है तो हम DRDO के बारे में बात करेंगे। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके साथ साथ करेंट में DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए CEO फैसल हसनैन को अपॉइंट किया गया है। अब जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हुई है तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1949 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। इसके साथ साथ PCBA के करंट में चेयरमैन रोमित सराजा और CEO फैसल हसनैन हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो करंट में पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कोच शकलैन मुश्ताक हैं, जबकि महिला टीम के कोच डेविड हैम्प हैं। इसके अलावा हाल ही में PPCL ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग किया है। अब यहाँ पर PPCL और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात हुई है तो हम इनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। PPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1952 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करंट में PPCL के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह हैं। इसके अलावा बार्क की बात करें तो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फॉर्मेशन 1954 को हुआ, जबकि इसके फाउंडर होमी जागीर बाबा हैं। इसके साथ साथ बार्क का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जबकि इसके करंट में डायरेक्टर अजीत कुमार मोहंती जी हैं। इसके अलावा हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना धनरेखा पेश की है। अब यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। LIC की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करेंट में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो MR कुमार हैं। इसके अलावा हाल ही में SBI कार्ड्स ने SBI इच पल्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब यहाँ पर SBI की बात हुई है तो हम SBI के बारे में भी बात करेंगे। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करेंट में SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। इसके अलावा हाल ही में एक्सचेंजर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ दुबई कैर्स और यूनिसेफ ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और यूनिसेफ की बात हुई है तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1975 को हुआ, जबकि इसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है।
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के करेंट में सीईओ सत्य नडेला है। इसके अलावा यूनिसेफ की बात करें तो यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके अलावा यूनिसेफ के हेड की बात करें तो कैथरीन ट्रसेल करंट में यूनिसेफ की हेड है। इसके अलावा हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉब वर्ल्ड वेब नाम से एक समाधान शुरू किया है। अब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1908 में हुआ, जबकि इसके फाउंडर सयाजी राव गायकवाड़ हैं। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है। इसके साथ साथ चेयरमैन की बात करें तो हसमुख अधिया करेंट पे बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं। इसके अलावा हाल ही में रविंद्र भाकर ने NFDC फिल्म डिवीजन के MD और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO का पद ग्रहण किया है। अब यहाँ पर NFDC की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। NDFC की बात करें तो यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1975 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करेंट में MD रविंद्र भाकर जी इसके अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में गुजरात में माँ उमिया धाम विकास परियोजना के फाउंडेशन स्टोन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। अब यहाँ पर गुजरात की बात हुई है तो हम गुजरात के बारे में भी बात करेंगे। गुजरात की बात करें तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा गुजरात में 182 विधानसभा सीटें, 26 लोकसभा सीटें और 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने 3 साल के लिए आशीष कोटेचा को अतिरिक्त गैर कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1993 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करेंट में एक्सिस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी जी हैं। इसके अलावा हाल ही में हैदराबाद में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर हैदराबाद की बात हुई है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। हैदराबाद की बात करें तो इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। इसके अलावा हाल ही में राहुल रवेल जी के द्वारा लिखा गया स्मरण राज कपूर द मास्टर एट वर्क चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी पुस्तक का विमोचन जगदीश मुखी जी के द्वारा किया गया। अब जगदीश मुखी की यहाँ पर बात हुई है तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। जगदीश मुखी की बात करें तो करेंट में जगदीश मुखी असम में गवर्नर है। इसके साथ साथ ये एडिशनल चार्ज पर नागालैंड में भी गवर्नर हैं। इसके अलावा हाल ही में अफ्रीकी संगीत और नृत्य कोंगोलीज रुम्बा को यूनेस्को द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। इसके पहले इस सूची में भारत में कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी जोड़ा गया था। अब यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई है तो हम यूनेस्को के बारे में भी बात करेंगे। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसके साथ साथ यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके अलावा करेंट में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले हैं। इसके अलावा हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुनील गावस्कर को प्रतिष्ठित SJFI मेडल प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर सुनील गावस्कर की बात हुई है तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। सुनील गावस्कर की बात करें तो इनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है और इनका जन्म 10 जुलाई 1949 को हुआ। इसके साथ साथ सुनील गावस्कर को सनी और लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सुनील गावस्कर की बात करें तो इन्होंने भारत के लिए 125 टेस्ट मैचेस और 108 एक दिवसीय मैचेस खेले हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।